नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टेक न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव के पांचवें चरण की काउंटिंग मंगलवार की सुबह 8 बजे से हो रही है। मतगणना शुरू होने के साथ ही मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच की रिजल्ट भी सामने आने लगे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर गोपालगंज जिले से निकलकर सामने आ रही है। सीएम नीतीश के पार्टी के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को बड़ा झटका लगा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश की पार्टी के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को बड़ा झटका लगा है। राजद नेता जेपी यादव की भाभी ने जदयू विधायक के भतीजे को 904 वोटों से हरा दिया है, जो जेल में बंद है। गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के प्रत्याशी मुकेश पांडे ने जेल से ही चुनाव लड़ा था। भतीजे को जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन अब उन्हें निराशा हाथ लगी है। राजद नेता जेपी यादव की भाभी माधुरी यादव ने 904 वोटों से मुकेश पांडे को हरा दिया है। गौरतलब हो कि जदयू के दबंग विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे, जो जेपी यादव ट्रिपल मर्डर केस में जेल में बंद है, उनके पिता सतीश पांडे भी जेल में बंद है। एक साल पहले इस इलाके में एक बड़ी वारदात हुई थी। हथुना थाना क्षेत्र के रूप नचक गांव में घर पर बैठे राजद नेता के परिवार को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था। 2 बाइक से आए बदमाशों ने राजद नेता जेपी यादव और उनके पिता महेश चौधरी और मां और भाई शांतनु यादव को गोली मारी थी। इस घटना में महेश और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि शांतनु इलाज के दौरान दम उन्होंने तोड़ दिया था। जेपी यादव का इलाज पटना में कराया गया था। खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेपी यादव से पटना पीएमसीएच में जाकर मुलाकात की थी और आज इसी जेपी यादव की भाभी माधुरी ने बाहुबली पप्पू यादव के भतीजे को चुनाव मैदान में धूल चटा दी है।